फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये व्लॉग शुरू हो रहा है जहाँ से आपने लास्ट वीडियो का एंड देखा था। लंच करने के बाद हम लोग आगे की तरफ निकल चुके हैं। आप सबको जैसे पता ही है, हम केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा के लिए निकले हुए हैं। तो यही रास्ते का ये वीडियो शुरू हो रहा है यहीं से। तो अब हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पे कमलेश्वर महादेव जी का मंदिर है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है। तो यहीं हम आ रहे हैं। तो ये उनका मेन गेट है, बहुत ही प्राचीन मंदिरों में से एक है। जो यहाँ के मोस्टली सारे मंदिर आदि गुरु शंकराचार्य जी ने ही स्थापित किए हुए हैं। तो ये प्रवेश द्वार है और खुशु देखो यहाँ पे महादेव जी की तरह बैठ गया है योग ध्यान मुद्रा में। तो चलिए, खैर अंदर चलते हैं। ये अंदर का मंदिर का प्रांगण है जहाँ पे ये जो आपने देख रखे हैं, ये जो बेल लगे हुए हैं, ये बेल मतलब जो घंटे हैं, ये यहाँ की मान्यता है बहुत ही सारी। मतलब कई लोग अलग अलग मन्नतें मानते हैं यहाँ पे, तो उसी के वजह से यहाँ पे ये लगाई गई है। और बहुत ही प्राचीन और पुराना मंदिर है ये। यहाँ पे विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र प्राप्त करने के लिए यहाँ पे तप किया था। तो ये उन्हीं मंदिर में से एक है जहाँ पे शिव जी ने उनका ना एक कमल का फूल छुपा दिया था ताकि उनकी तपस्या कंप्लीट ना हो, पर विष्णु जी ने अपनी एक नेत्र निकाल के उसी का फूल बना के यहाँ पे अर्पित कर दिया था। तो ये मंदिर में आके बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे कोई भीड़ भाड़ नहीं है क्योंकि ये यहाँ की यात्रा में यहाँ पे कोई ज़्यादा नहीं आता है। हम कहाँ जा रहे हैं? माता रानी के जय जय करने हैं। तो हम लोग अभी पहुँच चुके हैं जाली देवी और दर्शन के लिए जा रहे हैं नीचे। थोड़ा उतर के जाना पड़ेगा। तो प्रसाद ले लिया है, गाड़ी पार्क कर ली है और हम यहाँ से जा रहे हैं अब नीचे। हम अभी आ गए हैं धारी देवी मंदिर, जो कि उत्तराखंड में बहुत प्राचीन मंदिरों में से एक है। ये धारी देवी मंदिर चारों धाम की रक्षा करने वाली देवी माँ के स्वरूप में ये है मंदिर। और ये झीलों के बीचों बीच है, आप देख सकते हो। बहुत ही प्राचीन मंदिर है जो कि काली माँ के समर्पित किया गया है, काली माँ को समर्पित किया गया है। और यहाँ ये मान्यता है कि यहाँ माता रानी दिन में 3 बार स्वरूप बदलती है अपना। सबसे सुबह में वो कन्या, छोटी कन्या का रूप धारण करती है, शाम को मतलब दोपहर को होते होते ये युवती का रूप धारण करती है, और रात शाम ढलने पर ये बूढ़ी महिला का रूप धारण करती है। तो ये यहाँ की मान्यता है और यहाँ पे बहुत सारी मन्नतें पूरी होती है। तो माता रानी की सब कृपा सब पे बनी रहे। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए माता रानी का। अंदर आप सबको पता ही है, ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाते, तो इसी वजह से मैंने बाहर का ही आप सबको दिखाया है। बहुत ही सुंदर झील के बीच भी मंदिर होने के कारण में बहुत ही अच्छी हवा चलती है वहाँ पे, बहुत ही सुंदर सा माहौल होता है। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे उतरना पड़ता है माता रानी के दर्शन करने के लिए, मतलब थोड़ी सी चढ़ाई टाइप ही समझ लो, मतलब पहले उतरना है फिर बाद में चढ़ना है। तो बहुत ही अच्छा सा मंदिर यहाँ पे है और माता रानी का मतलब स्वरूप भी हमने देखा। तो सब कहते हैं कि ये बात सच में मानी जाती है यहाँ पे, और बहुत सारे यहाँ पे लोग आते हैं। और अभी तो हम ऑफ सीज़न यहाँ पे इस साइड हम घूमने आए हैं,
पर सीज़न में तो यहाँ पे पैर रखने की भी जगह नहीं होती है। और ये देखिए यहाँ पे भी सेम मान्यता है, मन्नत पूरी होने पे ये बेल लगाए जाते हैं यहाँ पे। तो बहुत ही प्यारा प्यारा सा नज़ारा था। आप सबके साथ जितना हो सका मैंने ट्राई किया है कि आप सबके साथ शेयर करूँ मैं। और उसके बाद हमने फिर दर्शन करने के बाद चढ़ाई शुरू कर ली थी, क्योंकि आगे बढ़ना था हमें, आपको पता ही है, बहुत सारे जगह पे घूमना है और आप सबके साथ भी, आप सबको भी साथ लेके ही घूमना है। तो आप सबके साथ सारी चीज़ें शेयर करने की पूरी कोशिश जारी है मेरी। तो बस यहाँ धारी देवी माता रानी के मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोग निकल चुके हैं रुद्रप्रयाग के लिए। तो रुद्रप्रयाग में ही हमने हमारा रूम बुक करवाया है, तो आप लोग चलिए और देखिए हम लोग कहाँ रह रहे हैं। आप सबके साथ मैं रूम टूर भी शेयर करने जा रही हूँ, तो वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक करना, और आपके सारे फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ताकि हमारी छोटी सी यूट्यूब की फैमिली जल्दी जल्दी बड़ी हो जाए। तो जी हम आ गए हैं हमारे जहाँ पे रूम ले रखा है हमने, वहीं आ गए हैं हम। अभी टाइम हो गया है शाम के 4:20 और हम लोग आ गए हैं। होटल में बुकिंग करवा ली थी। ये जो गढ़वाल मंडल के जो थ्रू होते हैं ना, वही होटल है। तो देखते हैं अंदर जाके कैसे हैं। हमने रिव्यूज़ देख के यहाँ पे बुकिंग करवाई थी, प्री बुकिंग थी हमारी। तो बस अब आज हम यहीं तक ट्रैवल करेंगे, और यहाँ अगर कुछ घूमने जैसा या फिर कुछ है तो वो देख के फिर आज यहीं रेस्ट करेंगे, और कल मॉर्निंग में हम बद्रीनाथ के लिए ट्रैवल शुरू करेंगे। तो ये वही जगह है जहाँ पे हमने रूम लिया है। ये गढ़वाल मंडल का है, जो यहाँ पे उत्तराखंड में बहुत फेमस है। उनके रूम्स बहुत ही अच्छे होते हैं, साफ़ सुथरे होते हैं और बिल्कुल सिंपल होते हैं। आप सबके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो ये डबल बेड और सिंगल बेड दोनों चीज़ें दी जाती है इसमें, और गीज़र लगे हुए होते हैं। यहाँ पे एसी नहीं लगे हुए थे क्योंकि बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती। टीवी था और गीज़र लगा हुआ था रूम में, ताकि हमें बेसिक जो हमारी नीड होती है वो फुलफ़िल हो जाए। और यहाँ पे बालकनी व्यू आपको दिखा रही हूँ मैं, जो कि पीछे रुद्रप्रयाग ही आपको दिखाई दे रहा है। चाय पीने चलो, हम चाय पी रहे हैं। इज योर ग्रीन टी? मेरी ग्रीन टी नहीं है, मेरी तो नॉर्मल टी है। तो चाय पीने के बाद हम लोग फ्रेशन अप हो गए हैं और थोड़ा सा रेडी हो गए हैं, क्योंकि हमें जाना है रुद्रप्रयाग। रुद्रनाथ जी का मंदिर है और रुद्रप्रयाग भी है वहाँ पे, तो संगम देखेंगे पहले, तो रुद्रनाथ जी के मंदिर में भी दर्शन करेंगे, तो दोनों चीज़ हमारी हो जाएगी, है ना। और आरती का टाइम हो गया था, तो हम लोगों को यही लग रहा था कि शायद आरती हमसे मिस हो जाएगी, पर हमने बहुत ही अच्छे से मतलब ट्राई किया जल्दी से जाने का। तो यही है रुद्रनाथ जी के मंदिर का द्वार, और यहीं से राइट हैंड साइड था एक गुफा बनी हुई है, गुफा नहीं कॉरिडोर बना हुआ है, जिसको टनल भी बोल सकते हैं, वो सीधा केदारनाथ की तरफ जाती है। तो बस उसी के बाहर ही ये रुद्रनाथ जी के मंदिर का गेट लगा हुआ था, और हम जल्दी से नीचे जा रहे थे संगम की ओर, क्योंकि आरती का टाइम हो चुका था। हमें आरती की आवाज़ आई, इसीलिए हम रुद्रनाथ जी के मंदिर में पुजारी जी ने बोला कि पहले आप आरती। Bye.
तो आरती करने के बाद हम नीचे संगम घाट पे आए थे। ये देखिए, आपको बहुत ही सुंदर संगम दिखाई दे रहा होगा। ये है रुद्रप्रयाग। यहाँ पे अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम हो रहा है। तो बहुत ही सुंदर था यहाँ पे। और जब हमने गंगा आरती की, पहली बार हमने अपने हाथों से माता रानी की आरती की है, तो बहुत ही अच्छा लगा था। हमने तो इतना अच्छा हमें पहले कभी नहीं लगा, जितना भी शाम को हम यहाँ घाट पे बैठ के, जो मतलब होता है ना, सुकून मिलता है, एक शांति सी मिलती है। सच कहूँ तो यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। और दिन ढलने पे या तो फिर दिन निकलने पे जो सुकून, जो शांति मिलती है, वो और कोई भी चीज़ में हमें नहीं मिलती है। तो बस यहाँ पे दर्शन करने के बाद हम ऊपर रुद्रनाथ जी के मंदिर में गए थे दर्शन करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे भी आरती हो रही थी। कितना अच्छा है ना यहाँ पे। हाँ, इतना अच्छा है। ये तो नंदी जी है और ये माता रानी और ये नारद जी और ये राधे जी। यस। तो यहाँ से हम जा रहे हैं सीधे हमारे रूम पे और रात रुकेंगे वहाँ पे। और कल हमें बद्रीनाथ के लिए जाना है, तो नेक्स्ट व्लॉग बद्रीनाथ का आएगा। तो चलिए फ्रेंड, कल मिलती हूँ एक नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।